देखिए आज आप लोग के सामने एक बिग अपडेट आया है, जो ये है बिग अपडेट कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी किया है। और देखेंगे इस तरह से आप लोग को डेट दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे डेट जो दे रखा है मेंशन, देखेंगे डेट है 22 जून 2023 का दिया गया है। ये बिग अपडेट है, देखेंगे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2023 अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में देखेंगे, लेकिन हम लोग को इस चीज़ को नहीं देखना है। वैकेंसी में देखते हैं सीधे कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर एक फैकल्टी पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे डेट आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इज 21 जुलाई 2023 है, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग सीट की बात करते हैं प्रोफेसर की। इस तरह से दिया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के, इस तरह से दिया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो देखेंगे असिस्टेंट का प्रोफेसर का सीट के बारे में देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे आपको दे रखा है ये वैकेंसी का डिटेल, जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही रिक्वायरमेंट होती है। तो देखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। टोटल सीट आपको है अनरिजर्व के लिए 6 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए इस तरह से है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, इस तरह से देखेंगे। और पीएच कैंडिडेट के लिए देखिएगा था 4% रिजर्वेशन हॉरिजेंटल इज अवेलेबल टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट ऑल्स लेवल, ठीक ना। कुछ इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में है, इसको भी आप सुविधा हो तो स्क्रीनशॉट लेंगे। इन सारा नोटिफिकेशन यहाँ तक आपको दिया हुआ है 18 पेज में, तो मैं उतना पे डिस्कस नहीं करूँगा, चूँकि आप लोग को समय निकाल करके अच्छे से स्टडीज करना पड़ेगा। तो आज की जो ये टॉपिक रहा मेरा, यहीं पर एंड हो रही है। देखेंगे ये आप लोग के लिए मेन टॉपिक रहा, तो